मेरे साथ लड़ने वालों की लंबी फौज थी, इंजीनियर सुरेंद्र पटेल, संत आत्माराम कुशवाहा, जोगिंदर पांडे, सुरेश सिंह, वकील सिंह पटेल, अनेकों लोग थे जो लोग काशीनाथ यादव, जीतन चौधरी जी, जो ओम प्रकाश यादव को अपने बलोरो दिए थे प्रचार करने के लिए, जीतन यादव जी को महुआरी के थे, उनकी हत्या हो गई, नाम बहुत लोग को है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको शहादत दिए हैं सिवान को गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए। दाऊद इब्राहिम के लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे सिवान में, वैसे लोगों को चरित्र को यहाँ पर हम लोग कभी मौका नहीं देंगे सिवान में राजनीति करने का। बच्चे हैं वो तो देखे नहीं है, वे लोग को तो जन्म नहीं हुआ होगा, और आज वे लोग जो उस दौर को सुन रहे हैं तो उन लोग को आंग सिहर जा रहा है। जब देखिएगा तो अंग्रेज भी हमारे देश पर शासन किए थे, तो वो लोग काम नहीं किया, नहीं विनाश हुआ था सिवान में, सिर्फ विनाश 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 को हम 100 अंक देंगे और विकास को हम 0 देंगे उस समय के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान नगर से सटे बड़का गांव पचुखी प्रखंड में है, और जैसा कि आप यहाँ अभी देख रहे हैं, अभी अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी की यहाँ एक जनसभा हुई है। हमारे साथ जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह पटेल जी हैं। आप जदयू की राजनीति में काफ़ी लंबे समय से रहे हैं, आपने सिवान को बड़े करीब से देखा है, और जो 15 साल का दौर कहा जाता है उसको भी आपने देखा है, क्या अंतर है उस समय और इस समय में? पहले तो आप लोग को नारद मीडिया के नमस्कार, और जो श्रोता हैं उनको भी मेरा नमस्कार। पहले का दौर तो हम देखे हैं और सिवान के लोग देखे हैं। 2005 के पहले लगता था जो यहाँ कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर आतंक भय दिन रात लोग में डर का माहौल बना रहता था, खुलेआम सड़कों पर हत्याएं होती थी, इसलिए यहाँ राजनीतिक माहौल ही शून्य था। लगता था कि यहाँ पर एकदम राजतंत्र है, एक आदमी का हुकूमत चलता था, उसके डर से शासन और प्रशासन थर थर काँपती थी। ये नहीं कि यहाँ पर जिला के लोग, मुख्यमंत्री उस समय के पटना से डरते थे, और यहाँ के सिवान के जो लोग थे उनके कहने पर डीजीपी भी बदल देते थे, इस तरह की स्थिति थी। तो क्या लोग तो अपना दरखास्त लेकर थाना में जाते थे और उनका बात थाना में नहीं सुना जाता था, बहुत जुल्म था, कहीं लोगों को राहत नहीं मिलती थी, सहायता नहीं मिलती थी। लोगों ने समय का सदुपयोग किया और उस परिस्थितियों के जो हीरो थे उनको लोगों ने 0 बनाने का काम किया, कानून का राज आया। ये अभी कहा जा रहा है, लगातार वीडियो में भी कहा जा रहा है कि वो विकास पुरुष थे, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, आयुर्वेदिक कॉलेज दिया, और उन्होंने इंडोर स्टेडियम बनवाया, स्टेडियम राजेंद्र स्टेडियम बनवाया, उन्होंने जो विकास की लकीर खींच दी है वो अमिट है, और 2009 से जितने भी सांसद आए हैं उन्होंने कुछ विकास नहीं किया, और केवल जो है हवा हवाई बातें हैं, और इसलिए एक बार फिर जनता मन बना चुकी है कि इस बार दल से नहीं दिल से, और सब रंग एक रंग में मिल गया है, और निर्दलीय प्रत्याशी को जिताना है, क्या कहेंगे? मैं नहीं मानता हूं जे उनकी विकास की कोई मूल्य है, क्योंकि विकास को जब देखिएगा तो अंग्रेज भी हमारे देश पर शासन किए थे, तो वो लोग काम नहीं किए थे, उन लोग भी रेल लाइन बनाए थे, वे लोग भी बहुत भवन बनवाए थे, तो उनको हम विकास कहेंगे? अंग्रेजों की राज में जो काम हुआ उसको विकास कहेंगे कि हम विनाश कहेंगे? उसी समय उसी तरह का इस समय जो हुआ था, जो लोग कहते हैं विकास की बात, विकास नहीं विनाश हुआ था सिवान में, सिर्फ विनाश 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 को हम 100 अंक देंगे और विकास को हम 0 देंगे उस समय के लिए। विकास और विनाश में बहुत का अंतर है, कुछ भी नहीं होना चाहिए लेकिन आदमी को शांतिपूर्वक जीने का अधिकार तो चाहिए। उस समय लोगों को कोई नौकरी करता था उनको भी डर बना रहता था, बिजनेस करने वाले को भी डर बना रहता था, कब उनका अपहरण हो जाएगा, कब किसका हत्या हो जाएगा, ये मामूली बात था, कोई कानून नहीं था, ये तो उसको विकास नहीं ना मानेंगे। अच्छा,
ये जो उस समय का दौर था उसको आपने भी झेला है, आपने भी अपने निश्चित रूप से हमने उसको बहुत ही गंभीरता से देखा है, समझा है। हम लोग तो उस तरह के व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने वाले लोगों में से हम लोग थे। हम लोग परवाह नहीं करते हैं जुल्म अत्याचार से लड़ने में क्या नुकसानी होगी, क्या कुर्बानी हो गई। मेरे साथ लड़ने वालों की लंबी फौज थी, इंजीनियर सुरेंद्र पटेल, संत आत्माराम कुशवाहा, जोगिंदर पांडे, सुरेश सिंह, वकील सिंह पटेल, अनेकों लोग थे जो लोग काशीनाथ यादव, जीतन चौधरी जी जो ओम प्रकाश यादव को अपने बलोरो दिए थे प्रचार करने के लिए, जीतन यादव जी को महुआरी के थे उनकी हत्या हो गई, नाम बहुत लोग को है, वैसे सैकड़ों लोग हैं जिनको शहादत दिए हैं सिवान को गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए। ऐसे लोगों से हम मने कहेंगे जो भाई इस आप लोग देखिए, उस कुर्बानी को मत भूलिए। आज यह समय है, उस नए बच्चे हैं वो तो देखे नहीं है, वे लोग को तो जन्म नहीं हुआ होगा, और आज वे लोग जो उस दौर को सुन रहे हैं तो उन लोग को आंग सिहर जा रहा है। समझाने की बात है, क्या जुल्म था, क्या आतंक था, फिर से वह दिन मत लाने दीजिए। यह राजेंद्र बाबू का धरती है, हम लोग किसी जाति धर्म के विरोधी नहीं हैं। हम लोग डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को सलाम करते हैं, वे हमारे देश को परमाणु संपन्न बनाए, लेकिन हम लोग दाऊद इब्राहिम के लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे सिवान में। वैसे लोगों को चरित्र को यहाँ पर हम लोग कभी मौका नहीं देंगे सिवान में राजनीति करने का, कभी कोई गुंजाइश नहीं होगा सिवान में। सिवान में ये अभी आप पूरा घूम रहे हैं जिला में, सब जगह जा रहे हैं, क्या लगता है कि आप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की क्या स्थिति है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की वन साइडेड स्थिति चल रहा है। पूरे सिवान में एक मुश्त में लोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाना है। सिवान में उनके जो उम्मीदवार है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के, श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी, उनको भारी मतों से जिताना है। विजय की माला लोगों ने दे दिया है विजय लक्ष्मी जी को, ले जाइए भाई नरेंद्र मोदी जी को पहनाइए और तीसरे बार हैट्रिक लगवा कर उनको प्रधानमंत्री बनाइए। आप पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, क्या जनता से अपील कीजिएगा? हम जनता से अपील करेंगे जो हम लोगों ने बड़ी संघर्ष करके यह दिन दिया है आप लोगों को, सिवान को आप लोग संभालिए और आने वाले अपने बच्चों को खुशहाली का मौका दीजिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए। वह दिन मत लाने दीजिए 2005 का, जो डर के मारे लोग थर थर कांपते थे, वैसे स्थिति मत आने दीजिए। इसलिए आप लोग 25 तारीख को तीर के सामने वाले नीले बटन दबाइए और यहाँ पर सुशासन कायम कीजिए, विजय लक्ष्मी जी को भारी मतों से जिताइए, नरेंद्र मोदी जी को हाथों को मजबूत कीजिए, नीतीश कुमार जी को, जीतन राम मांझी को जी को, चिराग जी को और उपेंद्र कुशवाहा जी को हाथों को मजबूत कीजिए, यही हम कहना चाहेंगे। आप इंद्रदेव सिंह पटेल जी ने खुद जो वो दौर है उसको झेला है, आपके परिवार में भी एक इस तरह की बात हुई थी, लेकिन देखिए आप लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि सिवान एक नए दौर में है, उसका हमें आगे स्वागत करना चाहिए। आपने नारद मीडिया को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत